पुलिस थाना नगरोटा बंगवा के तहत रिन नाम के स्थान पर अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले को हत्या की आशंका के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल यहां एक गाड़ी के अंदर एक युवक का शव अधजली हालत में पाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हुए मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए यहां न केवल पुलिस पार्टी बल्कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्यों को जुटाने की पूरी कोशिश करने लगी। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान पुलिस थाना नगरोट्टा बगवा के तहत रिन पंचायत में टीकावणी योल के युवक 27 वर्षीय पंकज चौधरी के तौर पर हुई है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर बताया जा रहा है और शव भी टैक्सी से ही बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक अभी अविवाहित था। जानकारी के मुताबिक वह सवारी लेकर गया था। झियोर रोड पर उसकी कार सुबह लोगों ने देखी और पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी नगरोट्टा बगवा श्यामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना पाकर खुद डीएसपी सुनील राणा भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डीएसपी सुनील राणा की माने तो संदिग्ध हालत में मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ पता लग पाएगा। सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक गाड़ी संदिग्ध हालत में जो है यहाँ पे लगी हुई है, जिस पे पुलिस मौका पे आई और जब गाड़ी को आइडेंटिफाई किया तो योल से लड़का है पंकज, उसकी गाड़ी है, वही ड्राइव करता था। तो जो इनके रिलेटिव हैं उन्होंने जब दूसरी चाबी से गाड़ी को खोला, गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी, तो उसके अंदर जो है पंकज की डेड बॉडी जो है ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी और गाड़ी भी काफ़ी जगह से जो जली हुई थी। तो बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने भी विजिट किया है। अब जैसे भी फैक्ट्स आगे आएंगे एज पर लॉ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब कारण जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उनके जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से। तो गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई हो जिससे? नहीं, वैसा कुछ नहीं पाया गया है, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया गाड़ी में। और बाकी हम जो साक्ष्य जो हैं फोरेंसिक टीम ने इकट्ठा करके दिए हैं उनको फोरेंसिक लैब में भेजेंगे, फिर इसके जो कारण होंगे उसके बारे में पता किया जाएगा।